केशकाल में विधायक देवेंद्र यादव का युवा कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पार्षद यासीन मेमन के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया, जहां देवेंद्र यादव ने सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा की है। वहीं देवेंद्र यादव ने मीडिया से बात कर बलौदा बाजार में हुए घटना के सवाल पर भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाने में असफल है, इसलिए मॉब लिंचिंग, चाकूबाजी जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इस दौरान उर्दू बोर्ड के सदस्य सगीर अहमद कुरैशी, ब्लॉक अध्यक्ष प्रवीण अग्निहोत्री सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए, ऐसा है कि प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में असफल है और जिस तरीके से लगातार इस प्रदेश में देखेंगे आप, आगजनी हो गई, मारपीट हो गई, मॉब लिंचिंग हो गई, इस तरह के बहुत सारे प्रकरण लगातार आ रहे हैं, चाकूबाजी के प्रकरण लगातार आ रहे हैं और उसके बाद प्रदेश सरकार उस पर सही कार्रवाई करने की जगह निर्दोषों को उसमें आरोपी बनाकर, बलौदा बाजार के मामला हो उसमें भी ऐसे ही वो कर रहे हैं, निर्दोष लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेजा जा रहा है और कहीं ना कहीं कुछ छुपाने की कोशिश प्रदेश की सरकार कर रही है। वैसे ही हम देखेंगे जो मॉब लिंचिंग का मामला आया है वो बड़ा गंभीर मामला है, उसमें अभी जब मेरी जानकारी थी पिछले दिनों में जो मैंने पता किया था अभी तक उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है और ऐसे अगर झुंड किसी की हत्या कर दे रहा है और सरकार राजनीति करने में लगी है कि इसने किया उसने किया तो ये सब गलत बात है। मुझे लगता है कि उनको गंभीरता से अपने प्रशासनिक व्यवस्था को सुधारना चाहिए।